स्मार्ट टीवी में सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वन ऑफ द ब्रिलियंट आर्टिस्ट हु इज बेस्ड इन बेलगाम, शिरीष देशपांडे। शिरीष देशपांडे एक्सपर्टीज इज इन यूजिंग वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मीडियम, दैट्स बॉल पेन, जो रोज मराने की जिंदगी में हमारे सामने हमारे टेबल के ऊपर रहता है, लेकिन एक बहुत ही कॉमन मीडियम को लेके इतनी सूक्ष्मता से वो अपनी सब्जेक्ट, चाहे पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, उसकी इतनी बारीकी से उसकी नुआंसिस को ऑब्जर्व करते हुए पेपर को उतारते हैं, वो दैट्स रियली अमेजिंग। बहुत ही आश्चर्यपूर्ण होता है, मेरे को बहुत ही मजा आता है उनके काम देखने में। दूसरी वैशिष्ट्य ये है, क्योंकि जो कि मैं बेलगाम से बहुत कनेक्टेड हूं, बेलगाम की मिट्टी की खुशबू, उसकी जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक जो परंपरा है, उसकी जो वेशभूषा, रोज मराने की जिंदगी, जो बहुत ही फेमस है बेलगाम की पूरी बाजी और चाय, उसकी जो खुशबू है उसमें, वो जो मिट्टी का खुशबू, वो कहीं ना कहीं आपको शिरीष के लैंडस्केप में थोड़ा महसूस होता है। अगर आप बेलगाम से वाकिफ हैं तो आप देख सकते हैं उसमें। इसके बारे में उनसे जानेंगे, उनकी सोच, उनकी जो अनुभूतियां है वो जानेंगे, एंड लेट अस ट्राई टू नो व्हाट ही थिंक्स एंड व्हाट ही फील्स अबाउट इट। अ वार्म वेलकम शिरीष जी, आरटीवी में स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ दिस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, एंड थैंक्स टू यू। धन्यवाद। आपने मेरा काम देखा है, अप्रिशिएट किया है, और आपको वर्थ लगा कि इसको कुछ इसके ऊपर कुछ बात होनी चाहिए, दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी वसंत एक्चुअली। नहीं, हर कलाकार की अपनी अपनी ताकत होती है, एंड मैं आपके बॉलपेन वर्क की जो आपकी जो सूक्ष्मता है उसमें, उसकी जो आप एक बहुत ही सिंपल मीडियम से लेके आप जब एक इतनी सूक्ष्म सेंसिटिव ऑब्जर्वेशंस को उतारते हैं, सो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच। मुझे वो एक फिल्म की याद आती है, जैकी चैन की, वेयर ही इज अ ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर, लेकिन वो कहीं पहाड़ में जाके अकेला रहता है, तो एक बच्चा आता है, बोलता है उसको मुझे सीखना है, मार्शल आर्ट सीखना है। वो दो चार बार बच्चे को वापस भेजता है, लेकिन जब पांचवी बार बच्चा आता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बोलता है कि आप सिखाते हो कि नहीं, बोलते वो थोड़ा रूड रहता है, मतलब बच्चे एक 13-14 साल का बच्चा कैसा रहेगा मतलब उसकी इसमें, तो वो उठा के अपना जैकेट फेंकता है उसमें, एंड जैकी चैन वो देखता है एंड बोलता है कि उस जैकेट को 4-5 स्टेप में उठाना उसको और रखना, उतारना रखना 4-5 स्टेप में, बोलते हैं यहाँ से शुरू कर, एंड दिस इज लाइक, बच्चा बड़ा इरिटेट होता है, बोलते हैं ये क्या, मैं मार्शल आर्ट सीखने हैं, आप मेरे को जैकेट क्या उतार नीचे करते हैं, लेकिन जैकी चैन लगातार बोलता है कि बस यही कर तू, एंड धीरे धीरे करने के बाद बच्चा रियलाइज करता है कि माइंड, बॉडी एंड सोल, इसकी जो तालमेल है वो एक बहुत, मतलब एक सरल, सिर्फ जैकेट नीचे गिराए, उसको उठाना रखना, मतलब उसकी जो एक सिंक्रोनाइजेशन बच्चा सीखता है उसमें। तो मुझे आपकी पेंटिंग जब देखता हूं तो ऐसा इसमें है कि आप बड़े बड़े मीडियम्स खोजते कहां गए, सामने पड़ा पेन है उसको उठा के, मतलब आर्ट जो है वो एक दृष्टिकोण है, सूक्ष्मता को देख के, उसको ऑब्जर्व करके, उसको महसूस करके उतारना, उसके लिए बड़े बड़े सामने पड़ा बॉल पेन है उसको लेके शुरू कर दिया उसमें। So something which has a very simple and humble look or a beginning or things, but it will synchronize and create a great masterpiece. Correct. But before we go ahead with the details of and nuances of your art,
मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आपकी ये आर्ट सफर शुरू कैसे हुई और अब तक की कैसी रही, हम सब जानना चाहेंगे। ओके ओके ओके। आर्ट तो वैसे फैमिली में है ही, क्योंकि मेरी मम्मी भी पेंटिंग करती थी और उसका फेवरेट सब्जेक्ट उसका भी था पोर्ट्रेचर, और वो ऑयल कलर्स में पोर्ट्रेचर बनाती थी। तो बचपन से मैंने देखा था उसको बैठ के, वो ईजल के ऊपर बिठाओ, मॉडल को सामने बिठाओ, वो पेंटिंग करो, घर पे बैठ के करती थी, घर में ही उसका स्टूडियो जैसा एक सेटअप बनाती थी और उसके ऊपर वो काम करती थी। तो वो ऑयल कलर्स की खुशबू, लिंसिड ऑयल की खुशबू अभी भी मेरे मन में वो भरी हुई है। जब भी कोई भी मैं फ्रेंड के पास जाता हूँ, ऑयल कलर का अगर काम देखता हूँ, वो जो खुशबू आती, तो वो दिन याद आते हैं। क्या बात और जब से मैंने उसके साथ बैठ के, उसके ब्रश यूज करके, पेंट यूज करके, आई हैव स्टार्टेड, मतलब कि पेंटिंग वैसे शुरू किया था बचपन में ही। है। लेकिन एक एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जब मैं तीसरी कक्षा में था, आई वॉज इन थर्ड स्टैंडर्ड, मे बी अबाउट 8 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने वो जो स्लेट होती है ना, स्लेट के ऊपर एक ट्रेन की बोगी दिखाई थी, और वो बोगी का दरवाजा खुला दिखा है, और पता नहीं मतलब ऐसे ही बनाया था। तो हमारी जो टीचर थी, उसको वो बहुत कुछ अलग लगा कि वो दरवाजा परफेक्ट पर्सपेक्टिव में ऐसा ओपन कैसे दिखाया, इतना छोटा बच्चा, उसने ऐसा कैसा किया। तो उसने मुझसे पूछा कि ये कैसे किया, तो मेरे पास कुछ आंसर नहीं था। लेकिन उस दिन उन्होंने क्या किया, वो टीचर ने वो मेरी स्लेट जो थी पूरे स्कूल में दिखा के लाई, हर एक क्लास में जाके सबके सामने बता के ये कितना बढ़िया है, कितना अलग है, और ये ऐसा ऐसा है। तो उस दिन मुझे शायद ये महसूस हो गया कि ड्राइंग की ताकत क्या है, ड्राइंग कैन बी सच एक्सक्लूसिव एंड एक्सप्रेसिव दैट इट कैन मेक यू सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एक एक्सप्रेशन की जो लैंग्वेज है, जो आप इतने सारे शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, वो एक छोटे से ड्राइंग से व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ मेरे मन में शायद आ गया। और वहां से ड्राइंग का थोड़ा सा सीरियसली काम शुरू हो गया। फिर स्कूल में बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए। फिर तो मेरा ड्राइंग का जो एक प्रोग्रेस था, वो देख के माय मम्मी शी पुट मी इनटू दैट अभिनव कला विद्यालय फॉर फर्दर एजुकेशन। और पुणे मैंने फिर, हाँ, पुणे में फिर ग्राफिक डिजाइन का कोर्स किया, अप्लाइड आर्ट जब भी बोलते थे उसको, तो अप्लाइड आर्ट में 5 साल का वो डिप्लोमा था, वो कर दिया। और वो डिप्लोमा जो था वो ऐसा था, वो सब्जेक्ट्स ऐसे थे, मेरे तो स्पेशलाइजेशन था वो फाइन, कुछ भी नहीं था उसमें, लेटरिंग एंड टाइपोग्राफी था, इंडोर एडवर्सिंग था। तो आज मैं उसके बारे में कुछ भी सोचता भी नहीं हूँ, लेकिन वो जो सीख है, जो बेसिक कंपोजिशन की सीख, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। एप्लाइड आर्ट में एक एडवर्टाइजमेंट अगर आपको सेट करनी है, तो कंपोजिशन कैसे करते हैं, जो वर्ड्स है, जो स्लोगन है, उसके साइजेस, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग साइजेस, मतलब कि जो वेरिएशन इन फॉर्म जो बोलते हैं वो, और टोनल बैलेंसेस और कंपोजिशन, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी एस्थेटिक, यू नो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, करेक्ट। ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे मेरी आर्ट जर्नी ऐसे शुरू हो गई। एंड ये कौन से साल में थी, आई मीन विच ईयर दिस थिंग अभिनव में? मैं अभिनव में 1974 जून से 79 अप्रैल तक था। सो अप्रैल 79 आई पास्ड आउट, और वहां से मैं फिर बेलगांव आ गया, क्योंकि उस दिन वो जो दिन थे, तो इट वाज नॉट इजी टू गेट अ जॉब, यू नो, बीइंग अ कमर्शियल आर्टिस्ट इन दोज डेज, द ट्रू, स्टार्टिंग पे वुड बी समथिंग लाइक 200 रुपीज, करेक्ट करेक्ट, एंड यू वुड बी यू नो रिक्वायर्ड टू डू सच ओनली कटिंग पेस्टिंग जॉब, बिकॉज उस दिन कोई कंप्यूटर्स नहीं थे, तो वो टाइप सेटिंग वगैरह कुछ नहीं था, तो टाइप कंपोज कैसे करना है, वो सब कटिंग पेस्टिंग करके, ABCD इकट्ठा करके सब करते थे। तो करेक्ट, नहीं तो हाथ से करना पड़ता था, लेकिन छोटे छोटे जो लेटर्स थे वो सब कंपोज ऐसे कट पेस्ट करके ही करने पड़ते थे। तो आर्टवर्क बनाने के लिए सिर्फ कटिंग पेस्टिंग आर्टिस्ट ऐसा ही कुछ था, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। और मैंने सोचा कि बेलगांव अपना बहुत छोटा गांव है, वहां पर कोई ऐसे अभी ग्राफिक डिजाइनर प्रोफेशनली कोई नहीं है, तो
एक एडिशन हो जाएगी, अपने सिटी में काम भी मिलेगा और अपने सिटी के लिए कुछ योगदान भी मिलेगा, ऐसा सोच के मैं बेलगांव वापस आ गया और यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन का शुरू किया। अच्छा और वो 2000 साल तक मैंने चालू रखा था, 22 साल के लिए आई वॉज वर्किंग ऑन दैट। तो वो जो ट्रांजिशन का पीरियड था, एक ग्लोबली जो डिजिटाइजेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, कंप्यूटर्स आ गए, 1986 में हमारे पास पहला कंप्यूटर आ गया, वो छोटा सा बेसिक लैंग्वेज में शुरू होने वाला एक सिर्फ एक डेस्कटॉप। कीबोर्ड था, और वो उसमें कुछ प्रोग्रामिंग करके मैंने भी कुछ प्रोग्रामिंग का ट्रायल उस टाइम पे किया था। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, द ट्रांजिशन टू सी ऑल दैट फ्रॉम हैंडमेड थिंग्स टू बाई 2000 इट वॉज ऑल डिजिटल, एंड आई नेवर देन रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग बाई हैंड। बाई 2000 आई हैड अ इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर, कंप्यूटर, वो कोरल ड्रॉ वगैरह 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 सब था, और पूरा डिजिटली काम चल रहा था। तो उस टाइम को ऐसे हो गया कि ये कमर्शियल आर्टिस्ट होने का जो मतलब था, मतलब आपका एक्सपर्टीज किस में है, तो एक राइट एंगल परफेक्ट निकालना है एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो जो डिजाइन का एक फॉर्मेट होता है वो अंडरस्टैंड होना चाहिए, जो जिसके फॉर्मेट्स कभी नहीं थे, टेम्पलेट्स पहले नहीं थे। अभी कंप्यूटर्स के जमाने में क्या हो गया, सबके टेम्पलेट्स आ गए, सब कुछ आ गया, तो कोई करेक्ट। भी बैठ के उसके ऊपर एक पेज कंपोज आराम से कर सकता था। तो कमर्शियल आर्टिस्ट का जो बेसिक काम था, ये ऐसे जो एंगेजमेंट थी वो कम हो गई, और जो बचा बाकी कुछ रहा तो वो लोगो डिजाइन करो या ऐसे कुछ डिजाइनिंग का जो काम होता था, वो हर रोज किसी को तो नहीं लगता है। इसलिए करेक्ट। मैंने सोचा कि अभी अपना टाइम खत्म हो गया, माई टाइम इज ओवर नाउ, और इसको अभी बंद कर दो। और जब तक क्या हो गया था, दूसरों के लिए काम करके करके मैंने ये देखा था कि अपना बेस्ट जो हमको लगता है वो सिलेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता है, वो करेक्ट। में एडिशन करते हैं, फिर ये ऐसे ही करो वैसे ही करो, ये जरा इसको इधर हिलाओ उधर हिलाओ, अपना कंपोजिशन पूरा बिगाड़ देते थे। तो वो कुछ मन में एक ऐसा समाधान नहीं था कि करेक्ट। इतना मुझे मालूम है करना है, लेकिन ये करने के लिए यहाँ पर अवसर ही नहीं मिलता है, तो इसलिए दूसरों के लिए काम बंद करो और खुद के लिए कुछ करो, ऐसा कुछ शुरू हो गया था। 2004 तक वो शुरू हो गया था ऑलरेडी। एंड देन यू स्टार्टेड एज अ फुल टाइम पेंटिंग ओनली, ड्रॉइंग एंड नहीं क्या, नहीं पेंटिंग। फिर क्या हो गया, थोड़ा सा एक बीच में गैप मिल गया मुझे, जब हमारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो एक साल दो साल के लिए मैंने कुछ बाकी काम ही नहीं किया, सिर्फ घर का वो बराबर होने के लिए वो खड़ा रह के हर रोज ये करो वो करो वो करो करते रहा मैं। और उसके बाद में ये जो पॉज था, इट वॉज अ बून फॉर मी, आई कैन से दैट आई वॉज टोटली जॉबलेस, आई हैड नथिंग टू डू। लेकिन उसमें क्या हो गया, एक बेलगांव का एक फेमस न्यूज पेपर है तरुण भारत, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक कंसल्टेंट करके आ जाओ पेज लेआउट्स करने के लिए, और हमारे टीम्स को आप जरा बता के उनको एक्सपर्टीज दे दो। तो एक दो साल के लिए मैंने वो काम किया कि उनका फॉन्ट, मतलब कि फॉन्ट डिजाइन के साथ हर एक पेज पे कैसे लेआउट होना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन एक नया प्रोडक्ट निकलता है, तो लेआउट्स तो इतने डायनेमिक होने चाहिए कि रूल्स भी तैयार किए तो रूल बेस्ड लेकिन दूसरे दिन के लिए सूटेबल, उसमें डायनामिकली चेंजेस करने के लिए जो कुछ टेम्पलेट्स लगते हैं, ऐसा सब काम मैंने 2 साल के लिए किया, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो ये जो जर्नी है पूरी, तो ये पूरी जर्नी में क्या हो गया था कि एक कलर का अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंटली मैंने महसूस किया था। एक तो क्या हो गया था कि जब कमर्शियल आर्टिस्ट बन के मैं काम शुरू किया ग्राफिक डिजाइन का, तो कलर प्रिंटिंग वॉज वेरी रेयर, और जब ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेसिस नहीं थे, नहीं, इट वाज इन 1972 80 के दरमियान की बात कर रहा हूं मैं, तो जहां पर ऑफसेट प्रिंटिंग कहीं पर भी नहीं था, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रेस था, और कहीं पर वो सिलेंडर प्रिंटिंग प्रेसेस थे जहां पर अच्छा कलर प्रिंटिंग ब्लॉक बना के करते थे लोग। तो मैंने सोचा कि कुछ लिमिटेशन है, अपना जो डिजाइन हम लोग बनाते हैं फिर उसमें कलर आना चाहिए, अगर ऐसा लगा तो कलर प्रिंटिंग हो ही नहीं सकता है, तो फिर करना है तो ब्लॉक मेकिंग ही करके करो, तो फिर बहुत कॉस्टली हो जाता है, ऐसा सब सोच के मैंने एक स्क्रीन प्रिंटिंग यूनिट भी शुरू किया, और स्क्रीन प्रिंटिंग करना भी शुरू किया, और हम लोग एकदम माहिर हो गए, मतलब वेरी फेमस स्क्रीन प्रिंटिंग यूनिट डूइंग अ वेरी वेरी प्रिसीजन जॉब। प्रिसीजन मतलब वसंत, मैं बोलता हूँ कि आई हैव प्रिंटेड थिंग्स अप टू अ प्रिसीजन ऑफ 0.1 mm,
साइज में इतना प्रिसीजन मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग किया है, और ये तो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की बात होगी, लेकिन कलर में जब काम करना था तो मैंने कलर का भी खास स्टडी किया। और मुझे एक याद है, वन इंसिडेंट इन आवर कॉलेज व्हेन आई वाज इन अभिनव कला विद्यालय, तो हमारे एक सर थे, तो उन्होंने एक असाइनमेंट दे दिया, एक ऐसी थी कि एक कलर फोटो ले लो और उससे ही कलर आपको एक चित्र बनाना है। वो कैसे करना है, तो कुरक्वेल यूज करके डॉट डॉट देके वो चित्र बनाना है, और आपको ओनली चार कलर यूज करना है। वो वाटर प्रूफिंग्स रहती थी, येलो रेड ब्लू एंड ब्लैक, तो उसमें से डॉट देके हमने वो चित्र बनाया था, मुझे अभी याद है। और उस दिन मुझे ये महसूस हो गया कि रेड एंड ब्लू जब बाजू बाजू में आते हैं तो उनका कलर चेंज होके हमको दिखता है वो पर्पल दिखता है, ब्लू और येलो बाजू बाजू में आ गए तो ब्लू और येलो दोनों खुद का रंग छोड़ देते हैं, मिक्स होते हैं और हमको ग्रीन दिखता है। ये जो बात है ये कहीं पर दिमाग में पक्की बैठी और उसका उपयोग मुझे बाद में हो रहा है ऐसा लगता है। तो ये सब जर्नी जैसी चल रही थी, तो 2006-07 में ये जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था घर का, तो मैंने बहुत सोचा कि अभी क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। तो जो पीछे किया है वो तो पीछे चला गया, अभी तो उसमें फिर से जाना नहीं है, तो क्या करना है। तो मैंने फिर से वो ऑयल का कलर का सेट बाहर निकाला, एक्रेलिक का निकाला, वो सब करना शुरू किया, लैंडस्केप्स बनाए कुछ, और फिर भी मुझे एक ऐसा लगा कि इसमें कुछ गति मुझे मिल नहीं रही, जो कुछ भी एक जो आह मोमेंट जो मिलना चाहिए ना, अरे वाह ऐसा जो मिलना चाहिए कुछ, वो नहीं मिल रहा है। तो मैं कुछ ऐसे सोच में था, मतलब आई वॉज इन कन्फ्यूजन, आई वॉज इन सर्च, कुछ भी बोल सकते हैं, बट देर वॉज समथिंग दैट आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि कुछ मिसिंग है, वो मिलना चाहिए मुझे। और इंसिडेंटली क्या था कि मैं एक फ्लेयर नाम की एक कंपनी है, उसका एक फोर कलर बॉल पेन रहता है, वो ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला, और उसको चार रिफिल्स रहते चार बाजू में, तो वो हमेशा मेरे पास रखता था और डायरी में नोट्स निकालने के लिए वो रेड ग्रीन ब्लू ऐसे कलर में नोट्स निकालता था। तो एक दिन ऐसे ही मैंने शुरू किया काम, वही पेन लेके एक चित्र बनाया मैं, और वो कुछ ऐसा ही रेफरेंस था, एक छोटा सा रेफरेंस लेके उसे एक बड़ा चित्र बनाया, लेकिन वो ऐसे कुछ हो गया कि काम शुरू किया तो लगा कि ये कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और धीरे 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 मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि डेढ़ दिन कैसा चला पता नहीं चला, 1x1 फुट का चित्र था वो, और 1.5 डे आई वॉज वर्किंग ऑन दैट, और घर में सब लोग पूछ रहे कि इतना क्या कर रहा है उसके ऊपर। तो जब हो गया वो पूरा तो ऐसा लगा कि वो मैंने कुछ आई हैव फाउंड समथिंग ऐसा लगा, और दिखाए तो वो सब लोग खुश हो गए कि अरे ये तो सबसे बढ़िया तेरा काम है आज का, घर में सब लोग बोलने लगे। तो वो एक टेम्पो था, मैं एक ऐसे फ्लो में था कि मैंने और 3-4 चित्र बनाए उसी फ्लो में, उसी पेन से ऐसे ही सिमिलर मेथड यूज करके किए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये मैं तो अकेला नहीं हो सकता है, तो मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया कि और कोई है ऐसे काम करने वाला बॉल पेन वाला, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बॉल पेन यूज करके काम करते हैं, लेकिन एक भी ऐसा काम नहीं मिला कि जो ऐसा फुल कलर किया है, सब सिर्फ ब्लू में या रेड में या ब्लैक में, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। तो ठीक है, मैंने सोचा कि ये ठीक है, लेकिन मुझे और भी कुछ एक फीडबैक लेना चाहिए ऐसा लगा, और बेलगांव में तो ऐसा कोई मेरा पहचान वाला नहीं था, इतने सारे आर्टिस्ट भी यहाँ पर है लेकिन कोई ऐसे क्लोज नहीं थे जब। तो मैं पुणे चला गया अभिनव, और कुछ 30 साल के बाद मेरे सर को जाके मिला, दोस्तों को मिला, उनको काम दिखाया, तो वो सब कहने लगे कि अरे ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि कोई बॉल पेन से ऐसे काम कर सकता है, और बहुत अच्छा है तुम करो कुछ, ऐसा शुरू हो गया। और ये इस तरह से वो डिस्कवरी हो गई और उसमें शुरुआत हो गई। क्या बात, एक्सेलेंट, सही बात। मतलब मैं नो आर्ट में जब यू नो समटाइम्स इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली यू डिस्कवर समथिंग, कभी कभी खोजने कुछ और निकलते हैं एंड बाय मिस्टेक कुछ और निकल जाता है, बट दैट इज ट्रू। लेकिन एक चीज मैं बहुत मानता हूँ
कि जो चीज हमारे हाथ से डिस्कवरी होनी रहती है वो चीज हमें खुद ढूंढते आती है। ये कुदरत का नियम है ऐसा। एक व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू इज दैट, अभी आप पोर्ट्रेट जो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पीछे ही जो है पोर्ट्रेट्स, एन एस बिंद्रे का है, कुलकर्णी, बी आर कुलकर्णी का है, एंड देखो पोर्ट्रेट बनाना है ना, वो सिर्फ एक चेहरा नहीं बनाना होता है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आंखें कान मुंह नाक बनाया है, इसमें उसमें उस व्यक्ति की व्यक्तित्व को जब लाते हैं तब वो पोर्ट्रेट सक्सेसफुल रहता है। सही बात, सही बात, एनी पोर्ट्रेट वो कितना भी स्किलफुल, कितना भी स्किन टोन वगैरह कुछ भी लाए, लेकिन जब तक वो आर्ट वो इंसान की, मतलब वो जो मॉडल होता है, उस मॉडल की जो व्यक्तित्व, उसकी जो पर्सनालिटी उसमें नहीं झलकते उनके आंखों में, तब तक वो पोर्ट्रेट इज नॉट सक्सेसफुल। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अभी आप जो पोर्ट्रेट बनाते हैं उसमें, जैसे कि मैंने आपने जब ये एन एस बिंद्रे का भी जो बनाया उसमें, मैं तो एन एस बिंद्रे से मिला नहीं हूं, वो सौभाग्य तो नहीं रहा उसमें, लेकिन मैं उन लोगों से मिला हूं जो मिले थे बिंद्रे से, एंड बिकॉज इसलिए क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, ये साहित्य हो, नाटक हो, संगीत हो, जानपद संगीत हो, आर्ट हो, कला हो, इसमें सब, तो मैं हमेशा ऐसे जो भी व्यक्तित्व है उनके बारे में जब जानने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली आई वॉन्ट टू नो देयर लाइफ स्टाइल, आई वॉन्ट टू नो वो क्या सोचते थे, क्या करते थे, पूरा दिनचर्या कैसा रहता था, ऐसा उनके काम, क्योंकि बेंद्रे जी ने जो लिखा है वो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कैसे थे, क्या सोचते थे, वो हमको नहीं पता, पता नहीं चलता। तो मैंने जो सुना उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके व्यक्तित्व में जो सादगी थी, लेकिन उतना ही उन्नत, उत्कृष्ट लेवल का एक सोच था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का एक एक बहुत द परफेक्ट उदाहरण ऐसा। तो वो व्यक्तित्व मुझे वो आपकी जो पोर्ट्रेट में किया वो झलक गई इसमें। एनीवे, लेकिन ये इसमें तो आपकी अनुभव कैसा है, फॉर एग्जांपल जस्ट, क्योंकि बॉल पेन एक बहुत लिमिटेड मीडियम है, यस यस, क्योंकि आप आ, 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 क्योंकि आपको क्या, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, एक पांच छह कलर ही एग्जैक्टली, आएंगे आपको, यू विल नॉट गेट अ रेंज ऑफ कलर्स, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट? बिल्कुल, तो आप इतने लिमिटेड पैलेट में, लिमिटेड कलर्स की बैच में, आप वो स्किन टोन, उसकी लाइट शैडो रिफ्लेक्शन, वो आंखों की तेज सूक्ष्मता, उसकी जो पर्सपेक्टिव है, वो सब कैसे, हाउ डू, हाउ वाज दैट जर्नी, हाउ इज दैट एक्सपीरियंस, आप कैसे करते हो उसको? तो एक पहला जो पॉइंट है आपका कि जो पर्सनैलिटी उसमें जो आनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, एक मेरा अनुभव भी बोलता हूँ। मैंने अभी ये जो दो पोर्ट्रेट्स यहाँ पर है, ये केबी सर का है और ये रामभाव विजापुरे सर का है, ये ही वॉज अ ग्रेट हारमोनियम, हारमोनियम, या हारमोनियम, हारमोनियम, या तो इन दोनों को मैंने देखा है, मैंने बोला है, उनसे बात भी की है, लेकिन और दो पोर्ट्रेट्स ऐसे हैं। अभी ये जो है यहाँ पर, ये गुरुजी पंत का, महाराज का पोर्ट्रेट है, ये तो बहुत पुराने जमाने के थे तो उनको तो मैंने देखा भी नहीं था, करेक्ट, लेकिन और दो ऐसे मैंने काम किए हैं, दो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके घर वालों के काम थे, तो उन्होंने उनको मैंने कभी देखा नहीं था, कभी मिला भी नहीं था, तो उनका भी मैंने पोर्ट्रेट जब किया तो वो दोनों के घर वाले रो पड़े, वो जब देखा उन्होंने, तो कि उनको लगा कि ये एक्चुअली इट स्पीक्स टू अस। तो मुझे क्या लगता है कि मैंने क्या किया था कि आई हैड उनके फोटो मैंने मंगवाए थे, जितने फोटो मिल सकते उतने भेज दो, और वो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में उनसे बात भी की थी कि वो हंसते थे तो कैसे हंसते थे और दैट काइंड ऑफ थिंग्स, तो स्वभाव के बारे में। और मैं क्या करता था, पहले एक 15-20 दिन वो पर्सनालिटी को मैं मन में उसको उनको जगा के उनके साथ बात करने की कोशिश करता, कि इमेजिन करता था कि अगर ये हंसते हैं तो कैसे हंसते हैं, ये अगर थोड़ा सा मुड़ते हैं तो कैसे मुड़ते हैं, ये जो एक मुश्किल भाव रहता है आंखों में, इट्स अ वेरी सटल्ड एक्सप्रेशन इन द आईज,
जो एक नजर जो बोलते हैं उनकी नजर ऐसी ऐसी है, वो इट्स अ वेरी वेरी सटल थिंग, और वो सिर्फ फीलिंग से ही आ सकती है. तो उसको फिजिकली फॉर्म में कैसे बिठा के उसको एक्सप्रेस करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग आई थिंक. लेकिन ये जब सोचता हूं मैं, तो कुछ इम्प्रोवाइजेशन होता है, और फिर मैं क्या करता हूँ, जो रेफरेंस पिक्चर मुझे मिलता है, तो उसमें से बहुत सारे पिक्चर्स में से सबसे अच्छा सुटेबल कौन सा रहेगा, इसका मैं जरा अंदाजा लेके फिर उसका मैं प्रिंट्स लेता हूँ, एक सॉफ्ट एक हार्ड कॉपी लेता हूँ, मतलब कि एक हाई कॉन्ट्रास्ट लेता हूँ, एक थोड़ा लो कॉन्ट्रास्ट लेता हूँ, एक हाई सैचुरेशन वाला लेता हूँ, एक वेरी लो सैचुरेशन वाला लेता हूँ, और उसका जो टोनल बैलेंस है, फिर कलर सैचुरेशन कहाँ पर स्किन का कैसा है, और डिटेल्स क्या है, मतलब शेडो डिटेल्स, उसके हाईलाइट में डिटेल्स, जो कुछ भी है, वो सब अलग अलग ये जो प्रिंट्स होते हैं वो कंपेयर करके उसमें से बेस्ट क्या है वो चूज करता हूँ. ओके, और फिर मेरे मन में एक उसके एक फाइनल इमेज जैसी क्रिएट करता हूँ मैं, इमेजिनरी इमेज, कि जो मैंने मुझे वो कागज पे उतारनी है बाद में. तो फिर रेफरेंस तो लेता हूँ मैं, रेफरेंस आउटलाइन के लिए तो ठीक है, लेकिन एक आउटलाइन होने के बाद जो काम शुरू होता है, वो जैसे वो हम लोग क्या कह सकते हैं, वो भजन करते हैं ना, वैसे होता है वो, कि एक बार शुरू किया तो कब खत्म होता है वो पता ही नहीं चलता है, देर इज नो टाइम लिमिट फॉर दैट, जैसे हो वैसे डेवलप करते जाओ, इतना ही करता हूँ. और एक प्रोसेस है, मतलब कि ये तो यहाँ तक का हो गया, लेकिन अभी एक्चुअली जो काम करना है, जिसमें स्किन टोन इम्पोर्टेंट है और डिटेल्स इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा शुरू करता हूँ, वो एक ब्राउन कलर का बॉल पेन मिलता है. लेकिन क्या होता है, हर एक कंपनी का ब्राउन अलग अलग होता है, एक कंपनी का थोड़ा डार्क हो सकता है, एक कंपनी का थोड़ा रेडिश हो सकता है, येलोइश हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी है वो ब्राउन से शुरू करता हूँ मैं, और फिर उसमें जो जैसे टोन्स कलर यूज जो ऐड होने चाहिए उनको मैं ट्विस्ट देते जाता हूँ अलग अलग कलर से. तो ये सब, ये जो पूरा काम होता है वो लेयर बाय लेयर धीरे 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 आगे बढ़ते जाता है, ऐसे होता है. So it's all about lines, it's all about doodling, it's all about dots, Yes, correct? not even dots, only Only lines. line. मुझे एक बहुत सवाल किसी ने पूछा था मेरे, क्योंकि यस यू मस्ट हैव सीन माय पेन वर्क, उसमें बहुत डूडलिंग होता है, बारीकी काम करेक्ट होता करेक्ट करेक्ट है. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको ये काम करते वक्त आपको बहुत पेशेंस चाहिए, इसमें आप कितने शांत स्वभाव के हैं. मैंने बोला गलत, इस टाइप के काम करने के लिए शांत मन की जरूरत नहीं, उसमें एक केओस होना चाहिए, इतनी उथल पुथल होती है, इतनी मतलब भागदौड़ होती है मन में, हम उस भागदौड़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, तभी जाके वो डूडलिंग हो जाती है. मतलब करेक्ट करेक्ट इट इज अ ओनली मुझे ऐसा लगता है, इट्स ओनली अ रेस्टलेस माइंड दैट कैन डू दैट. यस एग्जैक्टली इट्स नॉट अ वेरी पीसफुल माइंड. अगर हम पीसफुल बुद्धा के माइंड के होते तो मेरे ख्याल से ये काम नहीं होता, हम शायद बहुत पतला वाटर कलर में शायद काम करते हैं, करेक्ट यू नो, वेरी वेरी व्हाट यू से समथिंग व्हिच इज वेरी स्मूथ एंड इवन करेक्ट वेरी या. करेक्ट ये मेरी अनुभव है कि इसमें इसमें आपके अनुभव, तो व्हाट इज दैट आपकी माइंडसेट के कैसे, मतलब इज इट दैट यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस वेर यू कैन ड्रॉ द लाइंस, और इज इट दैट रेस्टलेस माइंड की इसको यार इसमें कहाँ कहाँ ढूंढते जाऊं, क्या ढूंढते जाऊं, दैट रेस्टलेसनेस इज दैट वन व्हिच कीप्स यू गोइंग, हाउ इज दैट, नहीं, व्हाट्स योर मैं बोलता हूँ, एक्सपीरियंस? मुझे भी ये लोग पूछते हैं कि ये करने में कितना पेशेंस लगा होगा आपको, तो मैं उनको बोलता हूँ कि करने के लिए पेशेंस तो बिल्कुल लगता नहीं है. क्यों? तो टाइम स्टैंड स्टिल फॉर मी. जो मैं अगर 4 घंटा काम कर रहा हूँ तो 4 घंटे मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं होते बाद में, दे डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, बिकॉज आई एम इन द सेम मोमेंट, प्रेजेंट टेंस में ही रहता हूँ हमेशा काम करते वक्त. तो पूरा अटेंशन, पूरा फोकस वो काम पे ही रहता है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट पॉइंट ऑफ प्लेस रदर, वेयर दैट टिप ऑफ द पेन टचिज द पेपर, मैं वहां रहता हूँ और किधर भी नहीं रहता. True. तो पेशेंस तो देखने वालों को चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अरे वो क्या हो ही नहीं रहा I know. है अभी. नहीं, वक्त रुक और जाता है, ये बात मैं मानता हूं, यस I यस know. यस और एक पता नहीं इम्पोर्टेंट चलता बात है, है,
और एक इम्पोर्टेंट पार्ट वसंत आपने अभी जिक्र किया, तो मैंने क्या देखा है कि ये जो रेंडरिंग होता है, अभी सपोज एक बड़ा एरिया आपको कवर करना है, वो इवन लाइंस से कवर करना है, तो प्रेशर वही चाहिए, वो डेंसिटी वही चाहिए, सब वही चाहिए, एक एक लाइन आपको खींचनी है, तो मे बी अ फ्यू थाउजेंड लाइन्स, यू हैव टू नाउ कंसिस्टेंटली डू दैट। तो उसमें क्या होता है फिर, तो एक मन का जो एक भाव रहता है फ्रीक्वेंसी, वो इक्वल और इवन रहनी चाहिए, और उसमें चले गए तो टाइम स्टैंड स्टिल फॉर, तो क्या होता है, और आजू बाजू में एक शांति का माहौल पैदा होता है, पूरा शांति का माहौल। मैंने अभी दो तीन बार मैंने ये सुना है कि डेमो करते वक्त, एक आधा पौना घंटे का डेमो होता है, तो फिर उसके बाद में लोगों की जो एक रिएक्शन रहती है वो क्या रहती है कि क्या शांति थी हॉल में, शांति, वो सब लोग शांति महसूस करते हैं वहां पर, जैसे कि वो मेडिटेशन रूम में गए तो कैसी शांति महसूस होती है, ऐसा कुछ अनुभव लोगों को मिलता है। एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट प्लस पॉइंट ऑफ व्हाट आर्ट कैन डिलीवर। रियली आर्ट का कुछ भी आपका तरीका हो, लेकिन आर्ट रियली डिलीवर्स इन मार्वलस वेज, दैट इज व्हाट आई फील। एंड वन मोर थिंग, डेफिनेटली आई शुड टेल दिस टू यू, स्पेसिफिकली टू यू, कि इन योर एंटायर प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द आर्ट वर्क, बिकॉज यू आर प्लेइंग ओनली विद लाइन्स एंड द लाइन्स हैव टू बी स्ट्रेट, द थिकनेस, द डेंसिटी, द कलर, द शेड, द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स, उसका यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए उसमें। तो ये मुझे लगता है कि आपकी सोच, आपकी जो थॉट प्रोसेस, आपकी जो मन की ये ताकत है, उसमें स्टैमिना बहुत है। जस्ट लाइक बॉडी में स्टैमिना होता है, मतलब एक एक जिम जाके बॉडी बिल्डर वाले या स्पोर्ट्समैन एथलीट की बॉडी में जो स्टैमिना होती है ताकत, उसी तरह सोच में भी एक स्टैमिना होना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस में, क्योंकि वो नहीं होगा, वो अगला लाइन उतना ही स्ट्रेट, उतना ही डेंसिटी, उतना ही ताकत, उतना ही बारीकी के साथ नहीं निकलता है। नहीं, सही सो बात यू हैव टू डू अ फ्यू थाउजेंड लाइन्स ऑफ पैच विद दैट एवरीथिंग रिमेनिंग द सेम। सो करेक्ट 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 इट्स लाइक, अगर तो जो मन की अवस्था है उसको करेक्ट नो डाउट एक जगह पे केओस चलता रहता है, बट उसको करेक्ट एक करेक्ट बहुत स्टेमिनाइज्ड वे में रखना जरूरी पड़ जाता है बराबर उसमें, है, ऐसा। बराबर है। और तो एक इसका फायदा क्या होता है, जब ये रेंडरिंग करता हूं मैं, तो मुझे मालूम है कि अभी इतना इतना टाइम इसको शायद लगेगा, तो दूसरा काम, मन को कुछ काम नहीं रहता है, तो मन को क्या होता है, मन को बिजी करता हूं मैं पास्ट टेंस में। ओके, तो पास्ट टेंस में जो कुछ भी अपना कुछ बचा कुचा होता है ना, कुछ सॉल्व बिल्कुल करता रहता है, वो सब उसमें एंगेज कर दिया ना, तो एक मन को पूरी शांति मिल जाती है, फिर बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल, सॉल्व हो जाते हैं उसमें, है कि आई अग्री टू दैट, आई अग्री टू दैट। नहीं? मैं व्हाट आई डू इज यूजुअली, मेरे को जितने भी मेरे को फॉर एग्जांपल, पहले तो सब रीडिंग होता था, अभी तो रीडिंग नहीं, तो काफी सारे यूट्यूब में वीडियोस आते हैं अभी, मतलब वो चाहे आध्यात्मिक हो, उसके ये हो जो मेरी स्पेशलाइज चीज का हो, या दूसरे सब बड़े बड़े लोगों की जो बातें होती है, टॉक शोज होते हैं उनके सब, ये कंप्लीट उसके टाइम उस दरमियान हो जाता है मेरा, व्हेन आई एम लिसनिंग टू समथिंग। काफी बार तो मैं कुछ लोगों से जो गप्पे मारने होते हैं, इनफॉर्मल डिस्कशन जो होता है, मतलब करेक्ट वो भी आर्टिस्ट है, वो भी कलाकार लोग हैं, लेकिन हम कभी कभी, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे मेरे साथ जो रहते हैं, कि हम घंटों घंटा, 1.5 2 घंटा बात कर सकते हैं हम लोग, एंड कोई जो एक बार जो सब्जेक्ट में घुस गए उसमें, दैट्स इट, वो टाइम तो काफी ऐसा निकलता है। तो व्हाट यू से इज वेरी राइट, क्योंकि दिमाग खाली रहता है एंड एग्जैक्टली करेक्ट करेक्ट। तो वसंत क्या हो गया कि ये काम देख के बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हमको भी सिखाओ, तो मैंने सोचा कि कैसे सिखाएं, क्योंकि बोल तो नहीं, बोल तो सकते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन एक्चुअली करने में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो मैंने वर्कशॉप्स अरेंज किए, पुणे में वर्कशॉप्स हो गए, बैंगलोर में हो गए, बेलगांव में हो गए, तो बहुत सारे लोगों को मैंने सिखाया है, लेकिन 3 दिन का एक पावर पैक्ड 10 घंटों का वर्कशॉप रहता है, उसमें मैं वो डिवाइड करके बेसिक्स टू एक फिनिश्ड आर्टवर्क ऐसा पूरा उनके पास से करा के लेता हूँ। वो तो करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते बहुत सारे लोग,
चीजें उसमें से। तो फिर मैंने क्या सोचा कि एक पुस्तक लिखूं, और मैंने एक पुस्तक लिखा है एक्सप्लोरिंग द बॉल पॉइंट, ये पुस्तक है, इज अ बुक। दिस वॉज रिलीज लास्ट ईयर डिसम्बर में, अभी रिलीज हुआ है ये। और इसमें मैंने बहुत सारा, अभी जो बात की मैंने, तो उसके साथ साथ बहुत सारे बेसिक टेक्निक्स, बेसिक रेंडरिंग की जो टेक्निक्स है, और बॉल पॉइंट पेन की इंक की खासियत क्या है, तो उसका जो डिसएडवांटेज है उसका एडवांटेज कैसा लेना है, उसके बारे में बहुत सारा मैंने उसमें लिखाम किया है। एक्सलेंट, एक्सलेंट। मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा, मतलब एनीवन हु वांट्स टू लर्न दिस, ये स्किल सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मानसिक प्रिपरेशन चाहिए वो सिखा नहीं सकते है, वो हमको खुद बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने उसमें क्या लिखा है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का महत्व क्या है, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, और मेकिंग आर्ट, व्हाट इज मेकिंग आर्ट, तो उसका प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, हाउ डू यू कम टू नो दैट योर आर्ट वर्क इज डन, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है जो हर एक आर्टिस्ट को सताती है हमेशा, मेरा आर्ट वर्क पूरा हुआ है कि नहीं, वो दूसरों को पूछते हैं, दूसरों को जाके पूछते हैं वो कितना गलत है कि नहीं, आर्ट वर्क तुम्हारा आर्ट वर्क है उसको ही पूछना चाहिए कि तुम पूरे हो गए हो कि नहीं। वो जो एक लैंग्वेज है, मतलब कि अपना जो चित्र होता है उसको हम एक्चुअली वी मेक इट कम टू लाइफ, एक ब्लैंक कैनवास को हम पूरा चित्र में कन्वर्ट करते हैं, इट कम्स टू लाइफ। तो उसके साथ अगर आपका कनेक्ट सही तरीके से हो गया, जो सटल एक फ्रिक्वेंसी रहती है कि वो अभी कुछ कहने लगा है, मेरा चित्र मुझसे कुछ बात करने लगा है, कि बोल रहा है कि यहाँ पर और थोड़ा सा डार्क करो, पोर्ट्रेट में स्पेशली यहाँ पर थोड़ा सा ये कलर चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये डार्क होना चाहिए, ये जो पोर्ट्रेट मुझे कह रहा है वो सुनने के लिए मेरी सेंसिटिव उतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, मैंने उसको उतना टाइम देना चाहिए कि वो मुझे, मेरे तक बात पहुंचनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सीलेंट, सही बात। नाउ अपार्ट फ्रॉम योर पोर्ट्रेट्स सुरेश, आई हैव आल्सो सीन अ कपल ऑफ योर लैंडस्केप्स, मतलब स्पेशली वो सेंट मेरीज चर्च हो कैंप का, वो गणपत गली का टावर हो, क्लॉक टावर हो, ऐसा द बिजी स्ट्रीट्स, द मार्केट स्ट्रीट्स एंड ऑल, लैंडस्केप्स इसके डेफिनेशन में भी, लैंडस्केप इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, बट इट इज एन इमोशन दैट इज अटैच टू दैट लैंड, दैट पीस ऑफ लैंड दैट मेक्स एनी लैंडस्केप ब्यूटिफुल। करेक्ट, it is simply not that structure, that building, that ped paude, it's not that, it is uske sath connectivity kitni hai hamari utni khoobsurat wo dikhne lagti hai usme, right? Now even when I see your landscapes, be it the tall buildings, be it the routine life of the common man's life in Belgaum, when I see that, they easily connect to the viewer, right? उसमें तो see, when you are making a portrait, आपको वो personality को उतारना पड़ता है, person को नहीं, personality को उतारना पड़ता है, whereas आप जब एक landscape करते हैं तो वो building को नहीं, वो उस गली मोहल्ले को नहीं, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई emotions को उतारना पड़ता है। exactly. correct? तो आपकी ये जो दो एस्पेक्ट है, जहां पे एक तरफ से आप व्यक्तित्व को उतारते हैं, वेरस दूसरी तरफ आप एक जमीन के टुकड़े का, एक बिल्डिंग, एक एक गली का, उसकी जो इमोशन है, उस भाव को उतना। नाउ कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन योर लैंडस्केप्स ऑन दिस, उस भावना को, फॉर एग्जांपल दैट सेंट मेरीज चर्च आपने जब पोस्ट किया तो एवरीवन बिना शक के बोला, नहीं ये कैंप का सेंट मेरीज चर्च है, वो गणपत गली का टावर डाल, क्लॉक टावर डाल, ये वहीं का है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, क्योंकि एवरीवन कुड रिलेट टू इट। यू हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन 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 क्या बोलते हैं उसमें, वो इमोशंस को उतारना एंड उसको लोगों के व्यूअर के साथ जुड़ना। कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दैट? मुझे इसमें एक दो तीन बातें कहनी है। पहला तो है कंपोजिशन के बारे में, विच इज वेरी बेसिक। ओके, तो कंपोजिशन का मेरा स्टडी कब शुरू हो गया, तो मैं बहुत छोटा था जब मुझे कुछ बुक्स मिले थे कोडैक के, 1940s में प्रिंट किए हुए बुक्स थे, तो वो कोडैक जब वेरी एक्टिव कंपनी,
एंड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उनका सब बहुत कुछ था। तो माई डैड वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड फोटोग्राफर, तो उनके पास वो बहुत सारे अंक थे, छोटे साइज के थे, लेकिन उसमें एक फीचर ऐसी लिखी थी कि जहाँ पर जो उनके रीडर्स है वो अपना फोटो भेजते थे और वो एक्सपर्ट उनके जो है वो फोटो रिप्रोड्यूस करके उसके कंपोजिशन अच्छा होने के लिए क्या करना चाहिए, और वो कंपोजिशन अच्छा है तो ये उसमें अलग सा फ्रेम दिखा के वो दूसरी बाजू उसके साथ कंपेयर करने के लिए, ये देखो ये क्रॉप किया तो यह ज्यादा अच्छा कंपोज होता है। तो मैंने वो सब स्टडी किया था, मतलब करते करते आया था। तो बाद में फोटोग्राफी भी मेरा सब्जेक्ट था हमारे कमर्शियल आर्ट में, तो फोटोग्राफी भी मैं करता था। और फोटोग्राफी करते वक्त लाइटिंग, तो लाइटिंग इज द बेसिक थिंग, क्योंकि नेचर्स वे ऑफ एक्सप्रेशन, बेसिक मीडियम, बेसिक एलिमेंट ऑफ नेचर टू एक्सप्रेस एनीथिंग इज लाइट। तो लाइट कहाँ से आता है और कितना आता है, उसके ऊपर क्या एक्सप्रेस हो रहा है वो डिपेंड होता है, और वो ही कैप्चर करना सक्सेस है ऐसा मुझे लगता है। इट्स अ फ्लीटिंग मोमेंट, मे बी ऑफ अ फ्यू मिनट्स और समथिंग, लेकिन दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। आपको वो दिन के दूसरे प्रहर में ऐसा चित्र नहीं मिलेगा। मे बी द स्पॉट इज सेम, बट द लाइट, द शेडोज, दे क्रिएट द ड्रामा इन द आर्टवर्क, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं बहुत सारे फोटोज निकाल के लेता हूं, मैं वो फोटोज यूज करके उसमें से अच्छा कॉम्पोजिशन ढूंढता हूँ, और फिर मैं मेरा खुद का कॉम्पोजिशन बनाता हूँ। फिर उसमें वो लाइट एंड शेडो का इफेक्ट, ड्रामा कैसे क्रिएट करना है और कलर का यूज कैसे करना है, कलर कौन सा कलर को दबाना है, कौन से कलर को उठाना है, वो जब वो डेवलप होता है ना, तभी वो इंस्टेंटेनियसली जो कुछ भी आता है डेवलपमेंट के समय वो करते जाता हूँ, ऐसे कुछ करता हूँ। मतलब देर इज नो प्री मेडिटेटेड फॉर्मेट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं रहता है उसमें। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। नाउ आई ऑल्सो नो दैट यू आर अ गुड फोटोग्राफर। आपके काफ़ी सारे इमेजेस, फोटोग्राफिक इमेज जो है मैंने देखे हैं, लेकिन इसमें एक मूलभूत डिफरेंस है। व्हेन आई सी व्हेन अ फोटोग्राफ, व्हेन यू क्लिक एनी सब्जेक्ट, वो उस सब्जेक्ट को अरेस्ट करता है, पकड़ता है उसको, लेकिन आर्ट उसी सब्जेक्ट को आजाद कर देता है। ये एक बहुत, क्या बोलते हैं उसमें, फोटोग्राफी और पेंटिंग में दिस इज द बेसिक थिंग। बहुत बहुत बड़ा, यस, इट्स लाइक अ वेरी ट्रू, फोटोग्राफी अरेस्ट द सब्जेक्ट, वेरी उसको ट्रू, बांध के रखता है, वेर एज वेरी, पेंटिंग उसी सब्जेक्ट को आजाद कर देता है। एग्जैक्टली, नाउ व्हेन आई सी योर लैंडस्केप्स एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, दैट कि आप इमेजेस बहुत देखते हैं। सो यहाँ पे दो काम है, एक दिमाग और एक हाथ जो कम है। सो आपकी दिमाग वो स्विच करता होगा कभी उस वक्त कि जब फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं तो आप एक सब्जेक्ट को अरेस्ट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं उसमें, लेकिन आप उसी सब्जेक्ट को जब आर्ट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको आजाद करवा रहे हो उसमें। करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी तो ट्रू, इसके बारे में कुछ बताइए ना कि हाउ एक फोटोग्राफी का नोडल, फोटोग्राफी में आप उसकी कॉम्पोजिशन देख सकते हैं, उसकी लाइट शेडो का इफेक्ट देख सकते हैं, लेकिन उसकी जो, क्योंकि आप चाहे बिल्डिंग हो, व्यक्ति हो, कुछ हो, एवरीथिंग उसकी अपनी एक व्यक्तित्व है। करेक्ट करेक्ट, उस व्यक्तित्व को डिपिक्ट करना, उसे आजाद करवाना एंड दैट फीलिंग को ये करना। सो आप कैसे करते हैं उसको, आप फोटोग्राफी से आर्टिस्ट को कैसा स्विच होता है, क्या स्वैप होता है, कैसा होता है? राइट right. नहीं, वो तो एकदम वैसे ही है प्रोसेस जो मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा डायनेमिक होता है प्रोसेस। एक बेसिक आउटलाइन तो बनाई, जो ऑब्जेक्ट्स है अपने सीन में वो तो आने ही चाहिए। कुछ ऑब्जेक्ट्स मैं कैंसिल कर देता हूँ उसमें से जो कंपोजिशन में अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो एडिट करके एक अच्छा कंपोजिशन तो बनता है, लेकिन सब जो प्ले है, जो एक मजा जो है उसका, वो सब लाइटिंग और कलर में ही है। और वो जो नेचुरली जो टेक्सचर्स तैयार होते हैं बॉल पेन की लाइन से, उसमें से मजा जो आता है वो एक बहुत ही अलग सा फील उसको दे देता है, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल, बहुत सही है। आपके ऐसा कोई सब्जेक्ट या ऐसा कोई पोर्ट्रेट है क्या जो अभी तक बनाए नहीं और लेकिन आप बनाना चाहते हैं, बोलते कि यार इसको मैं करना है मेरे को, एंड बॉल पेन में करना है। सो वैसे तो बहुत सारा है दिमाग में, लेकिन एक जाते जाते मैं और एक बात दिखाता हूँ आपको। एक मैंने एक चित्र बनाया था ऐसे ही, मतलब कुछ प्लानिंग नहीं था, कुछ नहीं था। दिस इज दैट,
ये है और ये पेन से ही बनाया हुआ है, यू कैन सी दैट मतलब या लवली या तो ये इसकी शुरुआत कैसे होगी, तो मैंने दो पेन हाथ में पकड़े थे, टू पेन्स एट अ टाइम, मतलब ये ऐसा कुछ पकड़ा था पेन को, समथिंग लाइक दिस, हाँ, और कुछ ऐसे ही कुछ स्क्रिबलिंग किया था, तो मुझे बाद में कुछ लगा कि अरे इसमें से कुछ एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप बन सकता है, और फिर बाकी का जो टोन है वो ऐसे ही स्क्रिबलिंग लाइंस में पूरा भर दिया है उसको। तो ब्यूटीफुल, ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है ना, ये एक्सपेरिमेंटेशन करते रहा हूं मैं अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग, ऑल ओरिजिनल, विदाउट एनी, उसमें से कुछ पहले रफ वर्क भी नहीं किया है और किसी इमेज को रेफरेंस के लिए कुछ भी लिया भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे चित्र है मेरे कि जो पूरा कुछ नया लेके तो उसमें एक्सपेरिमेंटेशन किया है, बहुत सारे है ऐसे। एक्सलेंट। एंड यूजुअली आपके वर्क साइज कितने होते हैं? नॉर्मली 10x14 जो क्वार्टर साइज बोलते हैं ना, वो साइज में होते हैं, या तो 14x20 इंचेस हाफ शीट जो बोलते हैं वो साइज में, और ये पोर्ट्रेचर पूरा मैं पूरा इंपीरियल साइज में करता हूँ। ये इंपीरियल साइज की है, फुल इंपीरियल साइज के, यू मीन टू से 20x24 या 20x22 इंच, 22x30 इंचेस, 22x30 इंचेस, ओके, क्या बात है, वेरी वेरी नाइस, वेरी दिस इज इंटरेस्टिंग, थैंक यू, इट्स लाइक इज देयर एनी सच एक्सपेरिमेंटेशन और एनी सच एक्सपीरियंस, यूनिक एक्सपीरियंस विद दिस मीडियम जो आपको अभी तक ऐसा हुई है, अनुभूति हुई है, जो आप शेयर करना चाहते हैं? Yes, something yes. which you have not told up till now, लेकिन आप this is something unique जो मैं जो मेरे हाथ लगी। Correct, correct. You are right. Because मैं आपको एक छोटा सा ये दिखाता हूँ, ये जो टेक्निक है बॉल पॉइंट पेन का, इट इज वेरी सिमिलर टू अपना जो फोर कलर प्रिंटिंग होता है ना, कमर्शियल प्रिंटिंग जिसको कहते हैं हम लोग, फोर कलर प्रिंटिंग, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट। तो मैंने क्या एक ट्राई किया है, अटेम्प्ट किया है ऐसा, कि यूजिंग ओनली CMYK जो अपना कलर प्रिंटिंग के जो इंक्स होते हैं, ये दिस ओनली CMYK, और वे ये बुक में मैंने ये CMYK मेथड के बारे में एक ब्रीफ लिखा है, और इट्स ओनली अ ब्रीफ, या सी वी कैन हैव ऑल द कलर शेड्स यूजिंग जस्ट 3-4 कलर्स, and it will be really very challenging for the artist to create like a machine, ek machine jaise printing karta hai wo color separation karke, aise hi kuch ye ho gaya, to aapko pehle imagine karna hai ki yellow kahan par hai, magenta kahan par hai aur blue kahan par hai, utna hi usko add karte jao, to ballpoint pen ka ek speciality kya hai ki you cannot go back in time, usko correction nahi kar sakte, usme white color ka pen milta nahi hai, to aap usko कुछ गलती सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको धीरे धीरे लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है, और ओनली एडिशन से काम करना, देयर इज नो सबट्रैक्शन, और इट्स रियली चैलेंजिंग, मतलब एक गलती से लग गया तो खत्म, दिया पूरा खत्म, वेरी चैलेंजिंग, वेरी क्या बोलते हैं उसमें, बड़ा सर्कस वाला है, करेक्ट, लेकिन मैंने जो देखा है कि इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कुछ है, एक प्लेन टोन भी आप क्रिएट कर सकते हो, और डिटेल कितना भी डिटेल आप बना सकते हो, तो मुझे लगता है कि ये बॉल पेन का जो मीडियम है ये और आगे बढ़े, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी कुछ सोचना चाहिए कि पेन और अच्छा कैसे कर सके, उसमें इंक का वैरायटी जो है वो कैसे, जैसे कि ये आर्ट रेंज होता है ना अपना, आर्ट मटेरियल में अभी क्रिम्सन रेड, आपको क्रिम्सन रेड ही मिलेगा, तो स्कारलेट रेड भी मिलेगा, और येलो में भी अलग अलग येलो मिलते हैं, ऐसा पेन में नहीं है, पेन में आपको सिर्फ येलो नाम का पेन, नाम भी नहीं लिखा रहता है उसके ऊपर कलर का, तो उसका क्रिम्जन बोलना या स्कारलेट बोलना तो छोड़ ही दो। ये सब जरा सा उन्होंने भी सीरियसली सोचना चाहिए ऐसा लगता है, और आर्टिस्ट लोगों ने भी ये मीडियम और एक्सप्लोर करना चाहिए ऐसा लगता है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज दमदार पॉसिबिलिटीज है, डेफिनेटली, क्या बात है, very nice, very very nice, very interesting talking to you Shirish, and trying to know more about your subject, thank you, yeah, and
Thank you very much. Thank you very much for sharing your experiences and discussing about this very simple but unique medium, ball pens, and creating such amazing sensitive works, be it portraits, be it landscapes, or be it abstracts. Yeah. So thank you very much, Shirish, for joining us. Thank you. Pleasure. Yeah, this talk. Mitro, friends, I believe that you have enjoyed this discussion with Shirish Deshpande, who is a ball pen expert artist. So do let us know what you think about this discussion. Like, share, comment, and subscribe RTV, and let us know what you think about this. Thank you very much for being with us, and thank you once again, Shirish, for being with us. Thank you very much. Thank you. All thanks to you, Vasant, for this great initiative. I wish you cover many more artists like me, because every artist is a unique person and everyone has to share something unique, definitely, with the world. True. Thank you. I wish you all the best. Thank you very much. Thank you.